अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए आज नाश्ता करने के लिए कांदा पोहा और चाय विथ लेमन। आज ये नाश्ता बनाई थी मैंने, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं बाहर, जेपी एरिस की तरफ जा रही हूँ फ्लैट देखने के लिए। आप लोग के लिए सरप्राइज है, बाद में बताऊँगी। अभी हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं जेपी जितेंद्र कपूर की जो नया प्रोजेक्ट है वहाँ की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। तो आप लोग देखो वहाँ का फ्लैट वगैरह सब कैसा है। और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा था, रूम ज़रा छोटे है लेकिन अच्छा है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है जेपी एरिस नाम से, जितेंद्र कपूर का है। तो बहुत ही अच्छा था एंट्रेंस वगैरह सब। अभी हम लोग को जाना है ऑफिस की तरफ, तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं भाई हम लोग गए थे घर देखने के लिए। तो ये है उन लोग की सेल्स ऑफिस, जहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी बातचीत करके फिर हम लोग फ्लैट देखने को जाएंगे। तो आप लोग बने रहना। तो ये अंदर के ऑफिस का है। तो यहाँ पर मैडम हम लोग को बता रहे थे कि हम लोग को लेके जाएंगे, ये हमको लेके जाएंगे वहाँ पर फ्लैट दिखाने के लिए। और अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ बेनिफिट भी दे रहे हैं उन लोग, जैसे कि एसी दे रहे हैं हम लोग को, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं और फ्रिज दे रहे हैं और मॉड्यूलर किचन पूरा बना के देंगे उन लोग। तो बनने में भी 1 साल लगेगा इस चीज़ को, क्योंकि अभी काम चालू है। तो जिसको जिसकी मतलब बिल्डिंग बन गई तो उन लोग को पोजीशन दे दिए थे। तो ये 2 बेडरूम हॉल किचन जा रहा है टोटल 1,30,00,000 में। तो चलो देखते हैं, आप लोग भी आके देखो। तो यहाँ से हम लोग एंटर करें, यहाँ पर पहला स्विमिंग पूल मिलेगा, फिर गार्डन मिलेगा, और फिर जो नया प्रोजेक्ट का एंट्रेंस अभी चल रहा है काम वगैरह लिफ्ट वगैरह का, तो वो सब अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं बोली चलो आप लोग को वीडियो पूरी दिखा देती हूँ। तो ये वहाँ का गार्डनिंग एरिया है और बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी वहाँ पर जाके देखना। तो वो सब बता रहे थे हम लोग को कितना कितना एकड़ में ये बना हुआ है, और ये स्विमिंग पूल वगैरह पार्किंग सब अलग अलग जगह के, सब अलग अलग व्यूज़ बता रहे थे हम लोग को। तो ये हम लोग आ गए हैं 2 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट पे। तो ये 1 बेडरूम, 1 हॉल और किचन, फिर लास्ट बेडरूम। लास्ट बेडरूम में मास्टर अपने को टॉयलेट मिल जाएगा, मास्टर बेडरूम। और यहाँ से देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये स्विमिंग पूल और पूरा व्यू, और दूर बिल्डिंग है तो वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छी साइट है, मतलब हवा पानी के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इंसान अगर बाहर बैठता है और सब देखता है तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहीं से सब देखता है। और यहाँ पर मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं तो वो भी हम लोग को बता रहे थे वो। तो यहाँ का सब हम लोग ने देख लिए, एंट्रेंस से हम लोग भी बाहर आ गए। तो थोड़े ऑफिस में बैठ के हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि कैसा क्या पेमेंट का क्या सिस्टम सब है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले, मुझे बहुत दिल था जितेंद्र को देखने के लिए। तो मैं सोच रही थी, एक्साइटेड थी कि दिखेंगे शायद, लेकिन वो नहीं आते अभी इतना। तो यहाँ पर अभी हम लोग बोले चलो जितेंद्र नहीं से, उनके फ़ोटो से ही हम लोग वीडियो बना लेंगे। तो अभी हम लोग बैठ के वही डिस्कस कर रहे हैं। भाई बता रहा था कि अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी हम लोग अगर इसको ये करते हैं बुकिंग में डालते तो 1 साल 2 साल के बाद में इसका रेट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कार पार्किंग हम लोग ने लगा के रखे थे, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा मसला चल रहा था, तो भाई वही डिस्कस कर रहा था अभी। तो अभी देखते हैं यहाँ से, अभी हम लोग निकलना है, शादी में भी जाना है। तो अब मैं आ गई घर की तरफ, और यहाँ पर मेरे बेटे ने फरमाइश की कि उसको ज़रदा खाना है, बहुत टाइम से ज़रदा नहीं खाया, मम्मी ज़रदा बनाओ। तो मैंने इंस्टेंट ज़रदा बना डाली, भीगा भीगा के नहीं रखी थी चावल को, ताबड़ तो धोई और ताबड़ तो मैंने चढ़ा दिया, और माशाल्लाह इतना टेस्टी ज़रदा बना था, बहुत ही अच्छा, बहुत कम चीज़ में मैंने बनाई थी, मतलब वो मावा वगैरह नहीं डाली थी, सिर्फ अपने ड्राई फ्रूट और इतना इस सब आइटम के अंदर। तो ये घी के अंदर अपन थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे कि दालचीनी, लवंग और क्या बोलते इलायची, बस उन लोग को थोड़ा सा सोटे कर देना है, और फिर शक्कर डाल के उसको वहीं पर छोड़ देना है। और दूध, और मैंने वो जलेबी का रंग डाल, जलेबी नहीं सॉरी ज़ाफ़रान डाली थी, वो उसको भिगा के रखी थी, वो इसमें मैंने डाल दी। तो शक्कर को ज़्यादा पानी नहीं करना है, बस थोड़ा सा मिक्सअप करके उसको वहीं पर छोड़ देना है। और जो हम लोग ने चावल को बॉईल कर रहे थे जलेबी के कलर के साथ में, तो उसको छान के जो मैंने रखी थी, तो वो इसके ऊपर डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसको कुछ हिलाना विलाना नहीं है। तो नीचे से शक्कर ऐसे मेल्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो वो चावल एकदम खिले खिले और माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था ना।
तो अब ये खा के हो गया तो भाई का फ़ोन आया कि चलो एक 31st की राउंड अप करने जाते हैं। तो ये तब 31st का सब चल रहा है, डेकोरेशन वगैरह, यहाँ पर सब ब्लैंकेट बांट रहे थे मतलब गरीब लोग को ऐसा। तो लाइटिंग वगैरह सब इन लोग की, क्रिश्चियन लोग की सब बिल्डिंग में ज़्यादा ज़्यादा रहते तो वहाँ पर लाइटिंग वगैरह ज़्यादा करते, तो ये सब लाइटिंग वगैरह करी हुई थी। तो फिर हम लोग बोले चलो अपनी पोड़े में हम लोग वापस आ गए, क्योंकि यहाँ का इडली और मेदू वड़ा और मसाला डोसा बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी रहता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले आए, क्योंकि रात का हम लोग ने डिनर नहीं लिए थे, तो हम लोग बोले चलो आज यही कर लेते, 31st के घूमना फिरना भी हो जाएगा और यहाँ का वीडियो भी बन जाएगा। अब क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा आ गया, मसाला डोसा और मेदू वड़ा सब हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से खाए। और फिर अभी यहाँ पर हो गया बिलिंग का टाइम आया, तो थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पर जिनके ओनर है उनसे ज़रा डिस्कस अब कर लिए। लंच की मुझे वीडियो बनानी है यहाँ पर आके, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आके यहाँ पर लंच की वीडियो बनाऊँगी। अब वहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ पर अभी आइसक्रीम खाने आ गए थे ठंडी में तो सब अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम यहाँ पर है, तो हम लोग ने अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली है। और फिर अभी यहाँ से हम लोग, यहाँ सेकोटी चल रही है क्योंकि ठंड बहुत है, एक जगह सेकोटी और एक जगह हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। वाह तो यहाँ पर ये 31st के लिए मैंने बोली ना सब डेकोरेशन वगैरह, तो ये सब वहीं का है, क्योंकि न्यू ईयर तो ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग का होता है, हम लोग का तो पहले ही हो चुका है, लेकिन क्रिश्चियन लोग का जो 31st होता है वो यहीं पर होता है। अल्लाह हाफिज़।